सुबह की स्निग्ध धूप में जब मैं छत पर बैठा था और प्रखर होती धूप से बचाव के उपाय सोच ही रहा था कि तभी व्योमेश शुक्ल की 136 पृष्ठीय पुस्तक अमेज़न के माध्यम से आई। शीर्षक है, तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए। भाई प्रभु जोशी के भी परम प्रिय और रजा फाउंडेशन के दिल्ली के काव्य पाठ कार्यक्रम में शशिभूषण को अलग से बुलाकर शुभाशंसाएं देने वाले विष्णु खरे जी की अच्छी चुनिंदा कविताओं की अविधा से भी परे लक्षणा और व्यंजना की तहें परतें खोलती ये प्रीतिकर पुस्तक है। पाठक के आस्वाद के स्तर और धरातल को कहीं भी क्षति न पहुंचाते हुए व्योमेश जी ने विष्णु जी की कविताएं उद्धृत की हैं पूरी, लेकिन अपनी श्लाघ्य संक्षिप्त टिप्पणियों से पाठक को यह एहसास भी करा देते हैं और पाठक सोचता है कि काश ये जो गुड़ का स्वाद है, ये जो जैगरी का जादूगर का दिया हुआ स्वाद है, कुछ और ज्यादा चखने का आस्वाद करने का मौका मुहैया कराती पुस्तक तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल उज्जैन में उनके निर्देशित नाटक यानी व्योमेश जी के निर्देशित नाटक को देख पाने का सुअवसर मिला था और अब ये ऐसी पुस्तक, वाह। तुम्हें खोजने का खेल खेलते हुए व्योमेश शुक्ल की कुछ बातें हैं विष्णु खरे की कविताओं के बारे में। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित यह 136 पृष्ठों की पुस्तक जब मुझे दिखी तो अपनी आदत के अनुसार मैंने अंत से शुरू किया और पृष्ठ 134 पर छपी एक पंक्ति पर निगाह टिक गई। मैंने उसे बहुत रुचि से पढ़ा। हिंदी कविता हिंदी भाषी राजनीतिक क्षेत्र का वेद बन गई है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय कविता का सबसे बड़ा हासिल है शीर्षक से विष्णु खरे जी से दिसंबर 2014 में बनारस में की गई बातचीत में बांचता चला गया पूरी आवेग मेहता के साथ। व्योमेश जी ने पूछा मुक्तिबोध और रघुवीर साय के काव्य और राजनीतिक अवदान योगदान के बारे में, तो विष्णु खरे जी ने अपने खास शैली में बढ़िया ढंग से प्रत्युत्तर दिए हैं। मुक्तिबोध ऑल इंडिया रेडियो में रहे, लेकिन उस तरह से नहीं रहे जैसे रघुवीर साय रहे। दिनमान में रघुवीर साय अपना संक्षिप्त नाम र सा लिखते थे तो र सा न्यूज सेक्शन में रहे ऑल इंडिया रेडियो में। रघुवीर सहाय में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का प्रशिक्षण अनुभव था और रघुवीर सहाय ने तय किया था कि वे इस देश की राजनीति में बहुत गहरे अंदर जाएंगे और उसकी गंदगी गलाजत को उजागर करेंगे। विष्णु खरे जी का अभिमत है कि उनका यानी रघुवीर सहाय का यह बहुत बड़ा फैसला था, वरना वह भी श्रीकांत वर्मा बन जाते। रघुवीर सहाय के आइकॉन थे लोहिया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की स्नोबरी यानी उच्च भ्रू भंगिमा और ग्रास रूट पॉलिटिक्स से बचने सुपर स्ट्रक्चर फार्मूला अपनाते हैं श्रीकांत वर्मा। उन्होंने मुक्तिबोध को छोड़ दिया, लोहिया को छोड़ दिया और इंदिरा गांधी के पास चले गए। आगे एक अच्छी माने खैर जानकारी खरे जी ये देते हैं कि श्रीकांत वर्मा ने निस्संदेह रघुवीर साय को तकलीफ दी। रघुवीर साय को अपने बेस्ट पीरियड में दिनमान छोड़ना पड़ा। दिनमान सबसे अच्छा और सबसे लंबा रघुवीर साय के वक्त ही निकला। सन 1968-69 में दिनमान टेक ओवर करते हैं रघुवीर साय और इमरजेंसी के बाद तक चला। मैं ये उल्लेख इसलिए भी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में कर रहा हूं कि मैं भी उन दिनों दिनमान का भक्त पाठक हुआ करता था। राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान छपा होता था दिनमान के ठीक नीचे। सचमुच लोग ठीक कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को अज्ञेय जी ने रघुवीर साय ने एक बढ़िया पत्रकारीय भाषा शैली सौंपी। लोहिया प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अज्ञेय का भी था और अलग अलग
सभी व्यक्तित्व के जो उप संपादक थे वो अपने कॉलम्स में स्वतंत्र थे अपनी टिप्पणियों के मामले में, और उस समय दिनमान के संपादकीय विभाग में लगभग एक दर्जन व्यक्तित्व थे उप संपादक के रूप में। मुझे याद आता है कि रीवा के पत्रकार मित्र गया प्रसाद श्रीवास और मैंने रीवा के दैनिक बांधवी समाचार में रहते हुए उस समय घटित लीलजी बांध दुर्घटना कवर करते हुए टेलीप्रिंटर के रोल के पीछे लिख भेजा था दिनमान में, तो सर्वेश्वर दाल जी सक्सेना ने अपना कॉलम चर्चे और चरखे स्थगित करते हुए और उसे छापा था एक टायर की काल कथा शीर्षक से। शायद हमारा मैटर देर से मिला होगा और केवल उनके चर्चे चरखे के लिए ही जगह होगी, तो उन्होंने उससे स्थगित किया। हमें उम्मीद नहीं थी तब। एक जगह विष्णु खरे ने मुक्ति बोध और रघुवीर सहाय के बारे में बताया है व्योमेश जी को कि मुक्ति बोध उसका यानी हिंदी कविता का दिमाग तैयार करते हैं और रघुवीर सहाय शरीर। साहित्य में अगर राजनीति समझनी हो तो आपको हिंदी कविता के पास जाना पड़ेगा, ये अभिमत है खरे जी का। रघुवीर सहाय को लगता था पहले राजनीति सुधार लो, यह हिंदू मुस्लिम सवाल तो अपने आप सुधर जाएगा। यही गलती वामपंथियों ने भी की, पहले समाज सुधार लो, साम्यवाद ले आओ, जात पात धर्म आदि अपने आप सुधर जाएगा। ये विष्णु खरे के महत्वमय रिमार्क्स हैं। मुझे तो ये बातचीत बहुत माने खेज और विचार उत्तेजक लगी, पर वही बात फिर से दोहराने का मन पड़ता है कि अपनी प्रीतिकर टिप्पणियों का गुड़ जैसा मीठा मीठा थोड़ा सा स्वाद चखाया है व्योमेश जी ने और मुझे जैसे पाठक को अतृप्त छोड़ा है, लेकिन फिर भी उन्हें अनेक अनेक साधुवाद, धन्यवाद और कोटिशः शुभकामनाएं।